गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज जय अग्रवाल। होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो टुडे इज माई फर्स्ट ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम अभी बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू माई जर्नी, कि मैं कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करूँगा, कैसे मैं अपनी डाइट को मैनेज करूँगा या क्या खाऊँगा। कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि डाइट में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लगते हैं पैसे, बहुत लगते हैं। तो आपकी डाइट को मैनेज करने में बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी डाइट फिजिक्स बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा खर्च करना होगा आपके डाइट के ऊपर, या बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वो सब चीज़ें आपको खानी होंगी। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में चाय के साथ ही उठता हूँ, वैसे तो एक गिलास दूध का, साथ में 3 उबले अंडे और 5 बादाम, ये 3 चीज़ खाता हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि लाइक थर्सडे होता है या ट्यूसडे होता है तो कई लोग नहीं खाते नॉन वेज में, दही हो गया, साथ में 5 बादाम हो गए आपके एंड 2 बनाना। सो उसके कुछ आधे घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं अपना जो नॉर्मली घर पे कुछ भी बना है वो खाता हूँ साथ में, एंड उसके साथ मैं अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ। सो आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड प्रोटीन शेक, ये सब होने के बाद 11 बजे के आसपास मैं 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड साथ में पीनट बटर, ब्रेड को थोड़ा टोस्ट टाइप का थोड़ा करके उसके ऊपर आप पीनट बटर लगा के खा सकते हैं। उसके बाद 12 बजे के करीब आप एक जूस ज़रूर पीजिए, या तो बनाना शेक पी सकते हैं या कोई भी मिक्स जूस पी सकते हैं। वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, वो भी ज़रूरी है हमारे मसल के लिए। क्योंकि एंड तकरीबन 2 से 2:30 बजे के करीब जब लंच का टाइम होगा तो लंच में आप कोशिश कीजिए कि साथ में सैलेड ज़रूर खाएं। नॉन वेज मैं खाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अपने तीनों टाइम में लाइक 1/2 kg मैं चिकन लेके आता हूँ, ठीक है। 1/2 kg को मैं 3 टाइम में डिवाइड करता हूँ, उसको मैं बॉईल करता हूँ एंड उसको तीनों टाइम खाने की कोशिश करता हूँ। 1/2 kg चिकन ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं रोज़ व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा साथ में टैटूज का भी काम है, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। और आज जो ये व्लॉग शूट हो रहा है ये 2 दिन का व्लॉग है, लाइक हाफ व्लॉग मेरा ऑलरेडी कल का शूट हो चुका है एंड हाफ आज मॉर्निंग का जो पार्ट है वो ये है। तो कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ, अगर नहीं हो पाएगा तो वीकली 3 वीडियोस मेरे व्लॉग्स के ज़रूर आएंगे। अगर कैलोरीज की बात की जाए तो एक फिट इंसान को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए 1700 से 1800 तक का उसको कैलोरीज रोज़ का उसका इंटेक है। तो अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप कैलोरीज इंटेक करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो गेनिंग है वो होके ही रहेगी। लाइक जब मैं अपनी गेनिंग पे आता हूँ तो मेरा एक दिन का जो कैलोरीज इंटेक होता है वो 3000 से 4000 के बीच में पहुँच जाता है मेरा, जिससे कि मेरे को जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कैलोरीज का भी अपना ही एक रोल है। और एक और चीज़, जो दलिया होता है, दलिये को आपको अपना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको कंटिन्यू रखना है। वो आप 2 टाइम रख सकते हैं, एक मॉर्निंग टाइम या वर्कआउट से पहले, ये 2 टाइम है जो आप रख सकते हैं दलिया। बहुत सारे चीज़ें हैं बताने को, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे बताऊँ। ऐसे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स देता रहूँगा और ख़ुद पे भी अप्लाई करता रहूँगा, खुद पे करके आपको दिखाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस फैमिली, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आगे बहुत सारी मस्ती है। Till that, take care, stay hydrated, and body banao guys. अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी हम लोग जिम के लिए निकलेंगे, आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे जिम के लिए। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लाइक मेरा अभी प्री वर्कआउट नहीं है, लाइक पुराना प्री वर्कआउट है लेकिन वो अभी एक्सपायर हो चुका है, तो वो ऑब्वियसली मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं अभी जल्दी से एक ब्लैक कॉफ़ी बनाने वाला हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एंड साथ में 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर के साथ। शॉर्ट मार के भागना पड़ रहा है।
ये आ गया, अब मेरे को डांट पड़ेगी। यार इतनी लेट है, मेरे को 10 मिनट हो गए। सॉरी यार, घर पे थोड़ा लेट हो गया यार। सो बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे जिम। तो आगे की रिकॉर्डिंग में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि काफी गाली पड़ी है मुझे। सो वी आर हियर। ड्यूरिंग जिम मैंने जितना भी वर्कआउट परफॉर्म किया है वो सारा लाइट वेट के साथ परफॉर्म किया है। जैसे कि आपको पता है मेरा बैक इंजरी है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अपने बैक पे लोड नहीं डाल सकता हूँ। तो मैंने बस कुछ ही सेट्स मैंने परफॉर्म किए हैं जिससे कि मेरे बैक में ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे। अभी 3-4 दिन तक हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, बहुत ही कम सेट्स करेंगे और बहुत ही लाइट वेट के साथ करेंगे। एंड होप नेक्स्ट वीक से आपको ही मेरा इंटेंस वर्कआउट देखने को मिले। चेस्ट लिफ्ट। क्या यार, अभी 12 हुए, 3 मोर और चल चल, लेट्स गो लेट्स गो। शाबाश शाबाश, यस यस। काफी टाइम के बाद आया। और भैया कहाँ है? गाँव गए हैं। ओहो, तो लगा दो फिर जूस यार। तो अभी हम जस्ट जिम से निकले तो अभी जूस पियेंगे। फिलहाल तो मिक्स वाला लगाना, ठीक है? अभी हम पियेंगे मिक्स जूस अपने भैया की दुकान में। फिलहाल तो भैया है नहीं, गए हुए हैं गाँव में छठ पूजा की वजह से। तो अभी हम आ गए अपने दोस्त के शॉप में, थोड़ा हेयर कट करवा ले। कोई नहीं है। वाह बढ़िया मेरा ब्रो। ओ कोलकाता ही यार। मामा मैं सोचा वीडियो तो तुम्हें इतना पतला आया, तू तो भूत है, मर गया, कैसे सट गई है। बहुत पतला हो गया यार तू तो यार। क्या करे ब्रो यार, बस अभी फिर से टाइम की बात है, टाइम की फिर से प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी। कोई ना, हो जाएंगे रिकवर, जल्दी हो जाएंगे, 1.5 महीने के अंदर फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अभी बस दाढ़ी और हेयर कट थोड़ा सा सिंपल ही और बढ़िया सा। तो सिंपल करना चाहता है या बढ़िया करना चाहता है? फिर फुल बॉडी में स्ट्रेच मार्क हो चुके हैं अभी। सो कटिंग डन, देख सकते हो टैलेंट है बंदे में ऐसे। और गर्लफ्रेंड ठीक है अभी? रहा नहीं जाता। कि ब्रेकअप हो गया? कब का? 400। सो अंडे की ट्रे ले ली है अभी, अभी हम निकलेंगे घर की तरफ। फिलहाल तो हमने एक ही अंडे की ट्रे ली है। कोशिश करेंगे कम से कम बजट में हम लोग अपना डाइट मेंटेन करें। आज का हमारा लास्ट मील है चिकन, साथ में चपाती और साथ में थोड़ा सा सैलेड। सैलेड के नाम पे सिर्फ अभी
यही है।